मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम वो बेहतरीन तरीका है जिसके अंदर अल्लाह सुभान व तआला ने हमारे लिए हर चीज़ की रहनुमाई की है। खाना कैसे है, पीना कैसे है, सोना कैसे है, जागना कैसे है, देखना कैसे है, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सोचना कैसे है, समझना कैसे है। मेरे मोहतरम भाइयों, रब ताला ने कोई एक चीज़ ऐसी नहीं, शादी हो तो कैसी होनी चाहिए, फौत की अगर कोई फौत हो जाए तो उसकी फौतगी के ऊपर क्या इंतज़ाम होने चाहिए, उसका कफन कैसा होना चाहिए, उसका दफन कैसा होना चाहिए, उसका जनाजा कैसा होना चाहिए, अगर तजारत है तो तजारत कैसी होनी चाहिए, अगर कारोबार कर रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए, अगर तुम्हारे घर औलाद पैदा हुई है तो उस औलाद की खुशी में जो कलेमात तुम मुबारकबाद के दूसरे को दोगे वो कलेमात क्या होने चाहिए, गधा बोला तो क्या कहना चाहिए, कुत्ता बोला तो क्या कहना चाहिए, मुर्गा बोला तो क्या कहना चाहिए, सुबह हुई तो क्या कहना चाहिए, शाम हुई तो क्या कहना चाहिए, बादल गरजा तो क्या कहना चाहिए, आसमान पे काले बादल आए तो क्या कहना चाहिए, ख्वाब में डर के उठे तो क्या कहना चाहिए, दहशतज़दा हो गए तो क्या करना चाहिए, हमारे घर में दाखिल होने के वक्त क्या बोलना चाहिए, घर से निकलते वक्त क्या बोलना चाहिए, कपड़े पहनते वक्त क्या बोलना चाहिए, कपड़े उतारते वक्त क्या बोलना चाहिए, खाना खाते वक्त क्या बोलना चाहिए, पानी पीते वक्त क्या बोलना चाहिए, बीवी के पास जाते वक्त क्या कहना चाहिए। मेरे भाइयों, कोई एक चीज ऐसी बताओ जो रब ताला ने प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक नहीं पहुंचाई। 1441 साल गुजर गए, एक एक चीज को रब ताला ने महफूज किया और हम तक पहुंचाई ताकि कल क्यामत वाले दिन कोई उजर पेश ना कर सके, कोई उजर पेश ना कर सके। मेरे मोहतरम भाइयों, अपने ना बच्चों की किताबों को देखो, इंग्लिश की किताब, उर्दू की किताब, मैथ की किताब, पाक स्टडी की किताब, साइंस की किताब, और जो आगे चले जाते हैं उनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की किताब। मेरे भाइयों, एक एक किताब में कितने कितने चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर में कितने कितने क्वेश्चन हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, सारे याद करते हैं, करते कि नहीं करते? मेरे मोहतरम भाइयों, ये छोटी छोटी दुआएँ क्यों नहीं याद करते, क्यों नहीं याद करते? अल्लाह की कसम, ऐसे ऐसे कलेमात जो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं नमाज के अंदर, वल्ला नमाज के अंदर ऐसी ऐसी दुआएं बताई हैं कि जिनको लेने के लिए, उचकने के लिए फरिश्ते उतरते थे, और आज हमारे यहाँ कौन उतर रहा है? मेरे मोहतरम भाइयों, वजह क्या है? सिर्फ वजह यह है कि हमारी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत का मियार बदल गया। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, अपने दीन की तरफ आओ, अपने दीन। एक लम्हे की ज़िंदगी है, एक मौत का झटका आने की देर है, अल्लाह की कसम सब के ऊपर खुल जाएगा मेरी औकात क्या है, मेरी हकीकत क्या है, मैं क्या कर चुका हूँ, मैं क्या बना चुका हूँ, मैं क्या ले चुका हूँ, मैं क्या समेट चुका हूँ। एक मौत का झटका अल्लाह की कसम हर बंदे को दिखा देगा तेरे दामन में क्या है, तेरे पल्ले क्या है, तेरी करतूत क्या है। ये जितनी बड़ी बड़ी आकड़ की बातें हैं ना, अल्लाह की कसम एक लम्हे में पता चल जाएंगी। सिर्फ मौत का झटका आने दो, लेकिन उसके बाद मोहलत वक्त नहीं है। मेरे भाइयों, जो समझ जाएगा वो किसको बचाएगा? अपने आप को। और जो नहीं समझेगा, मेरे भाइयों, अपने आप पर जुल्म ना करो, अपने बदन पे जुल्म ना करो, अपने आप को जहन्नम की खाई की तरफ मत धकेलो। मेरे भाइयों, जो आज दीन से दूर जा रहा है, अल्लाह की कसम वो अपनी आखरत में अपने रब से दूर जा रहा है, और जो दीन की तरफ आएगा वो असल में अपने रब की तरफ आएगा। जो अपने रब की तरफ आएगा मेरे मोहतरम भाइयों, वो दोनों जहानों में कामयाब है। बचा लो अपने आप को भी। अल्लाह सुबहानो ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, अपने आप को बचा लो। एक बकरी का बच्चा अगर आग में चला जाए ना, अल्लाह की कसम, बकरी का बच्चा छोड़ो, कुत्ते के बच्चे को आग लग जाए तो बर्दाश्त करोगे? मेरे मोहतरम भाइयों, जिन बच्चों ने आज नमाज नहीं ना पढ़ी, जानबूझ के नमाज छोड़ दी, उन्होंने अपने आप पे जहन्नम की आग को वाजिब कर लिया है, वाजिब कर लिया है। अल्लाह की कसम, इनकी आग को देखो,
अपने बच्चों को उस आग में जलता हुआ महसूस करो। जब वो महसूस करोगे, जैसे कुत्ते को जलता हुआ तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने बच्चों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो, अपने भाइयों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो, अपने माँ बाप को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो, अपने दोस्त रिश्तेदारों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे भाइयों, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। जो अल्लाह से डर जाएगा, अल्लाह की कसम उसके लिए दो जन्नतें हैं, उसके लिए दो जन्नतें हैं। और जो नहीं डरेगा, जो सिर्फ़ इसको खेल तमाशा समझेगा, बातें समझेगा, तकरीरें समझेगा, अल्लाह की कसम वक्त गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा। लेकिन पता कब चलेगा? वक्त उस वक्त, पता उस वक्त चलेगा जब हमारे दामन में वक्त नहीं होगा, जब ज़िंदगी नहीं होगी। उस वक्त रोएंगे, कितना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, हमारे आंसुओं में कश्तियाँ बहने लग पड़ेंगी। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला यही कहेगा, जब तुम दुनिया में थे, तुम्हें कोई डराने नहीं आया था, तुम्हें कोई बताने नहीं आया था, तुम्हें कोई समझाने नहीं आया था, उस वक्त कहेंगे हाँ या अल्लाह आया था, या अल्लाह आया। क्या किया अल्लाह? हमने मुंह मोड़ लिया, हमने मुंह मोड़ लिया। अल्लाह फरमाएगा जाओ, जैसे तुमने मुंह मोड़ा, आज तुम्हारा रब भी तुमसे मुंह मोड़ता है। उस वक्त से बच जाओ मेरे भाइयों, उस वक्त से बच जाओ। जो बच जाएगा मेरे भाइयों, वो इज़्ज़त पाएगा, और जो नहीं बचेगा, अल्लाह की कसम, वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा। शैतान ने उसको अंधा कर दिया है, शैतान ने उसको बहका दिया है, शैतान ने उसकी आंखों को वल्ला उसके ऊपर पर्दा डाल दिया है, जिसको नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह वो गुनाह जो जानबूझ के किए, वो गुनाह जो अनजाने में हुए, अल्लाह वो गुनाह जिसको हम गुनाह समझते नहीं, अल्लाह हमारे छोटे बड़े ज़ाहरी बातनी सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह हमसे काम ले ले, अल्लाह हमसे दीन का काम ले ले, अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह हमें सच्चा पक्का नमाजी बना दे, अल्लाह हमें नमाजी, अल्लाह ऐसा नमाजी बना दे, अल्लाह जब नमाज़ पढ़े अल्लाह ऐसे पढ़े जैसे तुझे देख रहे हैं, अल्लाह ऐसे नमाज़ पढ़े जैसे तुझे देख रहे हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।